हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के कर कमलों द्वारा देश में 71,000 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। इस सरकारी नियुक्ति के माध्यम से युवाओं को जो जॉब मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो नियुक्ति किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो नियुक्ति हुई है उसी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, SSB और कुछ बैंक, ऐसे अलग अलग सेक्टर में नियुक्ति हुई है। टोटल 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नियुक्ति मिलने वाली है और इसी के लिए भारत सरकार की DOPT डिपार्टमेंट काम कर रही है और आज जैसा युवाओं के लिए नियुक्ति का सम्मेलन हुआ ये 1 महीना पहले भी ऐसा हुआ था, उसी वक्त 75 युवाओं को जॉब मिला था। फॉर्म जो था 2021 में फिल किया था, उसके बाद इसमें रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद फिजिकल हुआ एंड देन मेडिकल, उसके बाद जो है मैरिट लिस्ट आई है। मैं थैंक यू करना चाहूंगी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी रोजगार मेला में पार्टिसिपेट करने की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। मेरी CISF में सिलेक्शन हुई है इन द SSC CISF। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे की जॉब लगे जो मेहनत कर रहा है, उनको उनके ड्रीम्स जरूर फुलफिल हो। सर ये SSC के थ्रू से हमारी फॉर्म निकले थे 2021 में, तो जुलाई में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। तो हमारा एग्ज़ाम ऑल इंडिया हुआ था 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तो फिर पहला लिस्ट इसका निकला 25 मार्च को, तो उसमें हम क्वालिफाई हो गए थे। फिर हमें फिजिकल के लिए बुलाया, यही पे हुआ था हमामा में हमारा फिजिकल, और फिर वो भी क्वालिफाई किया, और उसके बाद हमारा मेडिकल ये 5 चौक अनाथा ये श्रीनगर में हुआ, तो वो भी क्वालिफाई। आप 7 नवंबर लास्ट फाइनल लिस्ट निकला तो उसमें भी हम क्वालिफाई हुए, तो अब हमें BSF में मैंने पहले ही प्रेफर की करके रखा था, तो इसलिए आज रोजगार मेले में हमें अपॉइंटमेंट BSF में ही मिला। कितना जरूरी है इस तरह के रोजगार मेले आगे भी होने चाहिए ताकि बाकी नौजवानों को भी मौका मिले? हाँ, जिस तरह से आज अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो होनी चाहिए ताकि और जो क्वालिफाइड पर्सन है वो आगे आए और अपना कैलिबर दिखाए कि हम कुछ कर सकते हैं।